नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक शानदार पोइम। और दोस्तों, इस पोइम को सीखने के बाद हमारे चैनल को आप वेट करेंगे कि कब नया वीडियो आए और हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले हमने जितने वीडियो बनाए आपके लिए सैम्पल वीडियो बनाए, जिसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से कुछ टॉपिक समझाएंगे। तो आज हम एक 8 पॉइंट्स जो हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हमारी पहली पॉइंट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई जो हमारी पोइम है, ये हमारी फर्स्ट पोइम है सिलेबस की। 8 पोइम्स का आपको पूरे वीडियो दिए जाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत ही इजीली समझाए जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों। और जब आप इस कंटेंट को कंपेयर करेंगे, आप इस कंटेंट से पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक कट सिर्फ टेक्स्ट लेके पढ़ना कि क्या ये लिखा हुआ है और आपको याद रहता है कि नहीं रहता। तो आइए चलते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और उनकी डेथ हुई 1674। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिए, 1608 में उनका जन्म हुआ और 1674 में जॉन मिल्टन की जो क्या है डेथ हुई। अब जॉन मिल्टन के जीवन की जो सबसे दुख भरी घटना या सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, वो हुई थी 1652 में, जब वो थे 44 साल के, यानी एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड दैट वॉज द ईयर ऑफ 1652। सन 1652 में जब वो 44 साल के थे तो मिल्टन जो थे वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे। अब जैसे ही मिल्टन ब्लाइंड हुए, उस समय मिल्टन को बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख हुआ, क्योंकि जो उनके पास एक टैलेंट था पोइट्री का, और वो उसके बारे में सोचने लगे। और जैसे उन्होंने सोचा तो ये पोइम एक क्रिएट हुई ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और जब इसका फर्स्ट टाइटल मान लीजिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये इसका फर्स्ट टाइटल था। उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस यहाँ पर क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि हिज का मतलब जब ही बोला जाएगा जब किसी और ने ये बात लिखी हो। लेकिन दोस्तों, पोइम किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने। तो हमें ये जानना है कि थॉमस न्यूटन जो थे उन्होंने इस पोइम को नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि जब हमारा कोई और इंसान हमारे बारे में कहेगा तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, और अगर मिल्टन बोलते तो क्या बोलते, ऑन माई ब्लाइंडनेस। तो मिल्टन की पोइम है लेकिन उसे नाम दिया है थॉमस न्यूटन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट इसका टाइटल था व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। अब हम बात करते हैं 1652 में एट द एज ऑफ 44, यानी कि 50 साल मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 100 साल है और 50 साल की उम्र में उसकी हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाती है, आधी जीवन बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर मिल्टन की लाइफ हाफ कंप्लीट नहीं हुई और वो पूरे अंधे हो चुके हैं। अब इस बात से दुखी होकर जो मिल्टन अपने मन में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और तब इस पोइम का क्रिएशन हुआ, एक सोनेट, एक शानदार सोनेट जो कि पेट्रार्कन सोनेट है। देखिए इसकी राइम स्कीम के बारे में, स्पेंड व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट इन हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो इस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड यहां पर क्या है दोस्तों, बी राइम स्कीम, फिर यहां पर देखिए हाइड, बी ए ए बी बी ए, फिर प्रेजेंट स्पेंड ए बी बी ए प्रिवेंट, फिर सी डी ई सी डी ई। यहां पर देखिए ए बी बी ए, इस तरह से वर्ड्स को आपको देखना है, स्पेंट बेंट वाइड हाइड प्रेजेंट प्रिवेंट चाइल्ड डिनाइड ओके नीड स्पीड बेस्ट रेस्ट बेस्ट वेट। तो यहां पर क्या है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, 14 लाइंस की सोनेट को मिल्टन ने राइम स्कीम यूज की है, पेट्रार्कन सोनेट और एम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। दोस्तों याम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स का यूज किया गया है यहाँ पर, और बहुत ही इजीली जो है ये पेंटामीटर यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे मिल्टन की पोइम को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस पोइम के, इस सोनेट्स के 14 लाइन्स के दो पार्ट हैं, जिसे कहा जाता है फर्स्ट पार्ट को ऑक्टेव और सेकेंड पार्ट को सेस्टेट। 8 लाइन्स जो है उसमें फर्स्ट पार्ट है ऑक्टेव और सेस्टेट है 6 लाइन्स का, दो पार्ट में ये पोइम मान लीजिए हम इसको सोचेंगे या इसको पढ़ेंगे जानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, कि मिल्टन की जब आंखों की रोशनी चली गई तो वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है
कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी मैंने खो दी और जो भगवान ने मुझे टैलेंट दिया था उस टैलेंट का क्या मैं यूज कर पाया। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो संघर्ष चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक वर्ड है कन्फ्लिक्ट, यहां देखिए कन्फ्लिक्ट, एक द्वंद चल रहा है उसके मन में, एक संघर्ष चल रहा है कि क्या ऐसा क्या हो गया, या मैं ऐसा क्या करूं भगवान के लिए, या मैं अपनी पोएट्री टैलेंट का यूज कैसे करूं। और मिल्टन परेशान हो रहा है अपने मन के अंदर, और फिर वो क्या सोच रहा है और उसका मन उसको जवाब दे रहा है, इसी के बारे में ये पोइम है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है, देखिए फर्स्ट पर्सन, आई, माय, मी, तो इसका मतलब मिल्टन क्या है, स्पीकर है इस पोइम को बोलने वाला, और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इस पोइम में है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो याद आएगी, किस तरीके से इस पोइम को आप रीड करोगे। जब आप इस पोइम का टेक्स्ट लेके बैठोगे ना, वेयर आई कंसीडर, इस तरह से पढ़ोगे, तो दोस्तों जब आप मेरी वीडियो को सुनोगे तो आपको पूरी लाइनें, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, किस तरीके से यूज हुआ है, सब याद रहेगा। आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गाइड लेके बैठ जाना है या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। आप जस्ट दो वीडियो में, हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ऑक्टेव जिसमें हम सीखेंगे एट लाइंस के बारे में, और सेकंड पार्ट सेस्टेट जिसमें हम सिक्स लाइन के बारे में सीखेंगे, और हमारी ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, थिंक अबाउट, व्हेन आई थिंक अबाउट हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार मैंने अपनी आंखों की रोशनी है जो खो दी है। लाइट रिप्रेजेंट करती है दोस्तों आई साइट को, ओके फ्रेंड्स, स्पेंट मतलब बीच की है, खो दी है मैंने, आई का मतलब यहाँ पर है मिल्टन, क्या है इन लाइन का स्पीकर है, और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इस पोइम में है। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, थिंक अबाउट हाउ माई लाइट इज स्पेंट, किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, पछता रहा है वो अपने मन में, खुद पर ही पछता रहा है, खुद पर दया है उसके मन में, डिस्ट्रेस है, निराश है, परेशान है, दुखी है, कि ऐसा कैसे सोच रहा है वो अपने मन मन में। इल हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इल का मतलब होता है बिफोर, हाफ माई डेज, अभी मेरी हाफ लाइफ भी कंप्लीट नहीं हुई है, हाफ माई डेज मतलब हाफ माई लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है, बिफोर हाफ माई लाइफ मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, और सन था 1652। अब हम आगे चलते हैं, हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस गहरे और अंधकार में संसार में जो है मिल्टन अकेला फील कर रहा है, परेशान है कि किस तरीके से वो इस अंधकार में संसार से डील करे, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े, कैसे वो एक शानदार पोइम लिखे, कैसे अपने टैलेंट को यूज करे। तो यहाँ पर मिल्टन के लिए संसार अंधकार और बहुत गहरा क्यों है, ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जब मिल्टन देखता है तो वो देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा कि मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, मैं कुछ लिखूँ जिसे मैं महसूस कर सकूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मिल्टन के लिए क्या है, ये संसार बहुत गहरा है, अगर वो बहुत दूर कहीं जाना चाहे किसी पोइम को लिखने के लिए तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो रास्ता नहीं देख पा रहा, कहीं जा नहीं पा रहा, वो उसके लिए क्या हो गया है कि उसके पास मान लीजिए एक मेज पड़ी है और उस मेज पे एक बहुत सुंदर सी किताब है जिसे वो पढ़कर पढ़ना चाहता है, यहाँ पर या उसकी डायरी पड़ी है जहाँ पर वो एक पोइम लिखना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या है कि इम्पॉसिबल है। उसके मेज के पास जो एक शानदार सी किताब पड़ी है वो उसको ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, और इसलिए उसे संसार क्या लगता है, बहुत ही गहरा और अंधकार भरा, इसलिए मिल्टन बहुत परेशान है। वर्ल्ड एंड वाइड, यहाँ पर एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, हाफ माई डेज मतलब हाफ ऑफ हिज लाइफ, अभी उसकी लाइफ जो है हाफ लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है और वो मिल्टन जो है ब्लाइंड हो चुका है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जिसको केवल मृत्यु खत्म कर सकती है, डेथ किल कर सकती है जिसको, वो टैलेंट कौन सा है, मिल्टन हैज अ ग्रेट टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, मिल्टन के पास एक ग्रेट टैलेंट है राइटिंग पोइट्री का,
जो कि क्या है, जिसे मृत्यु ही क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, उसके अलावा उस टैलेंट को दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता। लॉयड विद मी यूजलेस, मेरे पास, लॉयड का मतलब कैप्टन, मेरे पास वो टैलेंट पड़ा है यूजलेस, बेकार। दाउ माई साउल मोर वेल, जबकि मेरी आत्मा, यहाँ पर माई साउल का मतलब है मैं खुद, मिल्टन खुद के बारे में कह रहा है कि मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ, कीन हूँ, डिजायर्स है मेरी कि मैं भगवान के लिए या अपने टैलेंट का यूज करके भगवान के लिए पोइम्स लिखूं, इस संसार में अपना नाम करूं, अपने टैलेंट का यूज करके टैलेंट को जस्टिफाई करूं। तो कह रहा है कि वो टैलेंट जो है मेरे पास, भगवान ने जो मुझे पोइट्री का टैलेंट दिया है, राइटिंग पोइट्री का, मेरे पास बेकार पड़ा है, यूजलेस। और मेरी जो आत्मा है, यानी मैं जो खुद है, माई साउल का मतलब अब उसकी आत्मा नहीं दिखेगी, उसका मन, उसकी आत्मा, मतलब मिल्टन खुद ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिजायर रखता हूँ उस टैलेंट को यूज़ करने का जो टैलेंट भगवान ने मुझे दिया है। टू सर्व, किसको सर्व करना चाहता है, अपने क्रिएटर को, जिसने उसे बनाया, भगवान को, माई मेकर, मेरे, जिसने मुझे बनाया, मैं उसे सर्व करना चाहता हूँ, उसकी सेवा करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा कि एक शानदार पोइम लिखूंगा, अपने टैलेंट का यूज करूंगा जो भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, और उसे जस्टिफाई करूंगा। टू सर्व देयर, देयर विद का मतलब बाय दैट टैलेंट, उस टैलेंट के द्वारा मैं अपने भगवान को, अपने निर्माता को, मेरे क्रिएटर को सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा ट्रू अकाउंट का मतलब मेरे कर्मों का हिसाब किताब देना चाहता हूँ, मेरे जो टैलेंट का है, मेरी पोइट्री टैलेंट का हिसाब किताब देना चाहता हूँ। लास्ट का मतलब कि उस समय, इन केस, अगर मैं भगवान के पास लौटूं ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब हिसाब किताब का दिन आएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, लेखा जोखा मेरा भगवान के द्वारा वहां पर मुझे देना पड़ेगा, तो भगवान मुझे डांटेंगे मेरे वापस लौटने पर कि तूने क्या किया। अपने कहते हैं ना कि ये काम करोगे तो नरक में जाओगे और तुम्हें हिसाब किताब भुगतना पड़ेगा, वैसे ही मिल्टन अपने मन में सोच रहा है कि जब मैं भगवान के पास लौटूंगा तो भगवान मुझसे पूछेंगे कि मैंने तुझे एक टैलेंट दिया था, उस टैलेंट का तूने यूज क्यों नहीं किया। इस बात से मिल्टन क्या है दोस्तों, बहुत दुखी है। रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब यहाँ पर रिब्यूक, डांटना। रिटर्निंग का मतलब यहाँ पर सेंस में है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन मिल्टन विल गो एंड गिव हिज ट्रू अकाउंट टू गॉड, जब वो भगवान को अपना हिसाब किताब देगा अपनी मृत्यु के बाद, उस समय का यहाँ पर रेफरेंस है। देयर विद का मतलब है बाय दैट टैलेंट, उस टैलेंट जो उसके पास है। माई मेकर का मतलब यहाँ पर देखिए एम कैपिटल है, गॉड के लिए आया है। माई ट्रू अकाउंट मतलब मेरे कर्मों का हिसाब किताब, या मेरी पोइट्री, या मेरे टैलेंट जो भगवान ने मुझे दिया है। टथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। अब मिल्टन एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या भगवान ऐसे व्यक्ति से जिसने आंखों की रोशनी खो दी है, क्या चाहता है कि वो उसके लिए वैसा ही कार्य करे जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है दिन में या रात में। आई फोनली आस्क, फोनली का मतलब फुलिशली, मैं मूर्खतापूर्ण, मिल्टन खुद पूछ भी रहा है वो प्रश्न। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका उत्तर भी मिल्टन खुद अपने मन में सोच रहा है और प्रश्न भी खुद से कर रहा है। तो ये प्रश्न किसी और से नहीं कर रहा, क्योंकि पोइम बोल कौन रहा है, मिल्टन खुद। डेथ गॉड एग्जैक्टली अपने खुद मन से पूछ रहे हैं, कैसा हो सकता है कि भगवान एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, ये चाहता है कि वो भगवान की सेवा करे दिन और रात बाकी लोगों की तरह। आई फोनली आस्क, अरे वो कह रहा है, अरे 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 ऐसा थोड़ी होता है। आई फोनली आस्क का मतलब अपने मन में पछता रहा है, मूर्ख कह रहा है, बेवकूफ, अपने मन में सोच रहा है बेवकूफ, ऐसा थोड़ी होता है। बट पेशेंस, अब उसका जो पेशेंस है, धैर्य, धैर्य किसका, मिल्टन का धैर्य, उसको पेशेंस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया हुआ है, एक इंसान की तरह पेशेंस बोल रहा है दोस्तों। पेशेंस नहीं बोलेगा, लेकिन क्या है, पेशेंस क्या है, उसका धैर्य बोलता है, उसको रोकता है कि गॉड ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों आज हमने इसकी ऑक्टेव पार्ट की 8 lines के बारे में सीखा है, और कुछ आपको इसकी समरी भी बताई है, इसकी थीम भी बताई है, कुछ शानदार आपको क्वेश्चन भी निकल के आए हैं, और आपको बहुत ही आज इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगला पार्ट इससे और भी शानदार होगा, जिसमें हम इस 8 lines का रिवीजन करेंगे और बाकी 6 lines को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें जो राइम स्कीम यूज हुई है, इसके बारे में हमने सीखा, यम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यूज हुआ, थॉमस न्यूटन ने इसमें
इसे नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी ध्यान रखना है। 1674 में मिल्टन की डेथ हुई, एट द एज ऑफ 44 मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, जो उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है जिसका उत्तर भी मिल्टन खुद दे रहा है और प्रश्न भी खुद से पूछ रहा है, किसी और आदमी से नहीं पूछ रहा, और पेशेंस को पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, मानवीकरण किया हुआ है, ये आप ध्यान रखिए। लाइट यूज हुई है आई साइट के लिए और आई शो करता है कि मिल्टन यहाँ पर क्या है, स्पीकर है। दोस्तों इससे भी शानदार हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ।